आईजी चंचल शेखर के साथ आए सतना व्यापारी मोतीलाल गोयल द्वारा जनता की सेवा में लगी पुलिस को चौराहे चौराहे जाकर गमछा व पानी की बोतल उपलब्ध कराई। आपको बता दें कि सतना सहित रीवा में श्री गोयल द्वारा अभी तक हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को पानी की बोतल व गमछा उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में आईजी चंद्रशेखर ने कहा कि बात बोतल व गमछे की नहीं है, इससे यह पता चलता है कि लोग पुलिस पर अपना पूरा विश्वास जमा चुके हैं। उन्हें यह पता चल चुका है कि पुलिस अपने जनता को बचाने के लिए 24 घंटे ड्यूटी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारे जनता पर हमारा विश्वास करती है, हम इसी तरह से उनकी सेवा में लगे रहेंगे। बस लोगों से यह निवेदन है कि वह भी पुलिस की बात माने, क्योंकि इस महामारी से बचाव का एक ही उपाय है कि हम बिना आवश्यकता अपने घरों से बाहर ना निकलें। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। पुलिस कर्मियों को बांटा हुआ गमछे वितरित किए गए। देखिए, ये लॉकडाउन का आज ऑलमोस्ट एक महीने हो चुका है और जैसा आप देख रहे हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो धूप काफ़ी तेज है, तो कई समाजसेवी संस्थान कुछ भोजन के पैकेट, कुछ सैनिटाइजर, कुछ मास्क इस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे सतना जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी मोतीलाल गोयल जी ने आज ये निर्णय लिया कि सभी जो धूप में काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनके लिए 1 लीटर का कूल वाटर बॉटल जो मिल्टन का होता है वो, और एक गमछा जो उनको प्रोटेक्ट करे धूप से, वो वितरित किया। इसके लिए उन्होंने 300 प्रोवाइड अभी किए हैं और भी जरूरत आवश्यकता पड़ेगी तो और करेंगे। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के लिए बारे में ऐसा सोचा, उनको सुविधा पहुँचाने के लिए। देखिए, पुलिस खुद बहुत ही सक्षम है हर तरह के ड्यूटी करने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए या जो भी उनके इस्तेमाल में आने वाली बात चीज़ें हैं उसके लिए गवर्नमेंट हर चीज़ देती है। परंतु अगर जनता के किसी व्यक्ति द्वारा इस तरह का सहयोग दिया जाता है तो इस सहयोग का अर्थ जो है पुलिस के मामले में मदद हम नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि वो उनका हमने विश्वास जीता और इस कारण से वो दे रहे हैं। तो हमारे जनता और पुलिस के बीच में एक अच्छा रैपो बनता है, एक अच्छे संबंध बनते हैं, हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए आज यहाँ आए और ये किया। सतना का भी, सतना में भी इन्होंने इसी तरह ये किया है, 300 बॉटल और गमछे दिए हैं और हर समय ये इस तरह के सामाजिक अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। सर, यार पुलिस कर्मियों को गमछे और बॉटल वितरित किए, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? देखिए, प्रेरणा तो हम लोगों, क्योंकि व्यापारिक संस्कार बचपन से ही बाप माँ दादाओं से मिले हुए हैं कि हमेशा हमारे परिवार में तो जो भी कमाई होती है उसका 10वां हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं पुण्यदान में जो है शुरू से लगाया ही जाता है। और हमें ये प्रेरणा की जो बात है, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से 500 आदमियों का डेली जो है खाना हम जहाँ पे नीडी लोग रूरल एरिया में हैं हमारे गोयल ग्रुप द्वारा जो है वहाँ बनवा के और अपनी वैन में ले जा के जो है डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। और बाकी तो प्रेरणा कहीं ना कहीं समाज से ही मिलती है। पुलिस वालों के लिए ख़ास तौर से मुझे ये प्रेरणा इसलिए मिली कि भी क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है और लॉकडाउन का पीरियड का ये पता नहीं कब तक चलेगा, वो बेचारे सुबह से आगे शाम तक खड़े रहते हैं, तो मुझे लगा कि भी कम से कम उनको ठंडा पानी भर जो है अगर पर्याप्त मिलता रहे और धूप में मास्क की बजाय अगर ये टॉवल पूरी तरह जो है धूप का भी काम करता है और कोरोना से भी बचाता है, इसलिए मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ें उनके ज़रूरत की चीज़ है, इसी बात के लिए। अभी कहाँ कहाँ वितरित करवाए आपने? हमने सतना में जो है 300 SP साहब के माध्यम से सभी लोगों को वितरित करवाए हैं बोतल और टॉवल, और अभी रीवा में भी जितने लोग नीडी जो पुलिस के होंगे 300 अभी 350 हम बांट रहे हैं, बाकी अगर कम पड़ेंगे तो और भी जो है, और कोई सजेशन आप लोगों की तरफ से हो तो आप लोग भी दीजिए, उस पर भी जो है कोशिश करेंगे, ईश्वर जो है उसको भी पूरा करवाए। सफाई कर्मियों को भी बांटना चाहिए? सफाई कर्मी ठीक है, बिल्कुल आपका सजेशन बहुत अच्छा है, आप कोई नंबर आप एक ले लेता हूँ मैं आप लोगों से, कोई ना कोई चर्चा करके फिर अपन लोग, क्योंकि आप लोग जो सजेशन दे सकते हैं वो ग्राउंड लेवल पर दूसरा कोई नहीं दे पाता।